पितृपक्ष का समय चल रहा है, लोग अपने माता पिता सहित पूर्वजों को तर्पण करने के लिए गंगा किनारे पहुंचकर विधि विधान के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। गंगा किनारे तर्पण करने वालों में पुरुष सबसे अधिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में दो महिला भी है जो अपने माता पिता का तर्पण करते हुए नज़र आ रही हैं। धर्मशास्त्र में यह वर्णन है कि जिस माता पिता का पुत्र नहीं है, यदि पुत्री अपना कर्तव्य का निर्वहन करती है, वैसी स्थिति में माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज सुबह ईटी भारत की नज़र इन दोनों महिला पर पड़ी और जानने का प्रयास किया तो कहा कि भोजपुर जिला यूपी का रहने वाली हूँ, साहेबगंज के बड़ताला मोहल्ला में शादी हुआ है। कहा कि हम दोनों को भाई नहीं हैं, माता पिता गुजरने के बाद हमारा भी फर्ज बनता है पितृपक्ष के दौरान अपने और अपने पूर्वजों को जल दें। उषा तिवारी ने कहा कि हम 4 साल से तर्पण कर रहे हैं। वही आशा देवी ने कहा कि हम 2 साल से तर्पण कर रही हूँ। दोनों ने कहा कि माता पिता और पूर्वजों के आशीर्वाद से पूरा घर खुशहाल है, बेटा बेटी अच्छे जॉब में है, सभी के बीच संस्कार है और अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तर्पण करा रहे पुरोहित ने कहा कि धर्मशास्त्र के अनुसार यदि किसी को पुत्र नहीं है, यदि पुत्री तर्पण करती है, वैसी स्थिति में पूर्वजों को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वज इस आस में रहते हैं कि हमारे कुल का कोई भी आकर जल दे, पूर्वजों का आशीर्वाद से लोगों को सुख शांति प्राप्त होती है। हम लोग माता पिता को, हम लोग को लड़का नहीं है, लड़की है, और इसे हम लोग लड़की का भी धर्म है, जैसे लड़का का धर्म लड़की का भी धर्म है कि अपने माता पिता को जल दें। तो 15 दिन पूर्वज लोग का होता है, इसलिए हम लोग अपने माता पिता के आत्मा के शांति खर्च और जल पिलाने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग मैंने यहाँ आते हैं। गंगा जी रोज़ नहाते हैं, रोज़ उनको जल देते हैं, तर्पण करते हैं। कितने सालों से आ रही हैं? कितना सालों से? 4 साल। उनके दुआ आशीर्वाद से, भगवान के दया से और पूर्वज का लोग का आशीर्वाद से बहुत सारा मैंने दोनों लड़का मेरा है वो नौकरी में है। तर्पण करके छुट्टी करते हैं और चूँकि हम माँ बाप के लड़का, इसलिए हम यहाँ पर अपना धर्म को देखते हुए मतलब अपने फर्ज निभाते हैं। धर्म शास्त्र के अनुसार अपने कुछ मित्रों को जल जरूर देना चाहिए। अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उसके पुत्री को अधिकार है, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो, उसको जरूर जलाना चाहिए। हर पिता हर पितृ लोग अपने मन में इच्छा रखते हैं कि हमारे कुल खानदान में कोई भी पुत्र या पुत्री होगा जो हमको इस पुत्री पक्ष में जल मिलेगा, इसलिए जल जरूर देना चाहिए।